जाएंगे बॉट वाले शॉप पे। आपको तो हर चीज में खर्चा ही नजर आता है। काम के लिए निकल रहे हो और थोड़े दूर बाहर जाके याद आता है, ओ तेरी मेन चीज तो घर पे ही छूट गया। आपकी तो दुकान हम आते हैं, हम बैड में से हम बतियाते हैं। क्या निकालिएगा? कभी कभी जड़ का शुगर में इसका जड़ पीस के पीता है, एकरा में इतना बड़ा बड़ा झुमका की तरह लटकता है। सबसे मास्टर यही है। अच्छा, इन्हीं के नाम पे है एड्रेस आपका? हाँ, नर्सरी। आइएगा तो बोलिएगा कि वीडियो देख के आया है, तो भैया हो सकता है कुछ डिस्काउंट भी दे देंगे आपको। अभी माँ आई थी, माँ ने कहा कि चलो चलते हैं गार्डन के लिए कुछ खरीद लेते हैं, मतलब पॉट्स वगैरह और कुछ बीज वगैरह लेने हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर मतलब बनाया है चैनल तो कुछ भी शिद्दत से करो, जो जो भी चीज़ ज़रूरत है उसको करते रहो, टाइम टू टाइम पूरा करते रहो। तो अभी जाएंगे बीज खरीदने, क्योंकि उनके सर पे एक नया हुआ है, सवार की सब्जी बोएंगे। अब गार्डनिंग बना ही रखा है, इतना बड़ा गार्डन है तो सब्जी उपजाते हैं, सब्जी खाते हैं फ्रेश फ्रेश। तो अभी जा रहे हैं, पहले चाय वाय पियेंगे फिर निकलते हैं गार्डन। आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर कि कहाँ से बीज लिया है क्या कुछ, कि मतलब ताकि आपको सारा एक्सपीरियंस हो सके, कि अगर आप भी अगर शुरुआत करने जा रहे हो। हालांकि मेरी सासू माँ तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरा काम ना आधा का आधा हो जाता है उनके इन्वॉल्वमेंट के कारण। दिन भर वो कुछ ना कुछ आइडियाज़ देते रहती है। आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि क्या बताऊँ मैंने, मतलब क्या इतना बढ़िया कर्म किया था कि इतनी बढ़िया सासू माँ मिली है कि मेरे काम को तो आधा कर ही देती है। और तो और आइडियाज़ कुछ भी हुआ, जैसे कि शिवानी देखो इस डब्बे को तुम ऐसे कटिंग करके बना सकती हो, इस वाले प्लांट में भी आ गए हैं तो इसको भी रिपोर्ट कर सकती हो, तो आइडियाज़ तो बेशुमार है उनके पास। तो रेडी हो गए हम, पति देव गाड़ी निकाल रहे और वहाँ आ रही है ऊपर से नर्सरी में। कुछ पॉट्स देखना है, टेराकोटा पॉट्स, क्योंकि सीमेंटेड पॉट्स की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और टेराकोटा वाले थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं। तो वहीं जा रहे हैं, सबसे पहले जाएंगे टेराकोटा पॉट्स देखेंगे। फॉर्म में है पूरे। हाँ, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं ना मार्केटिंग वगैरह करते हैं, थोड़ा मूड अपसेट हो जाता है कि जा रही है सब फिर से खर्चा कराएगी, पर क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। सबसे पहले जाएंगे पॉट वाले शॉप पे। आपको तो हर चीज़ में खर्चा ही नज़र आता है। सजाएंगे गार्डन को, इनको खर्चा ही, इसलिए मम्मी के साथ जा रहे हैं कि कम से कम खरीद के आएंगे, इनके साथ जाते तो वापस आना पड़ता खाली हाथ। थोड़ा दूर निकले थे तो याद आया कि पैसा लेना ही भूल गए, ना हस्बैंड ने लिया है ना सासू माँ ने ना मैंने। तो सासू माँ ने कहा कि रुको लेके आती हूँ, क्योंकि आ गए, क्योंकि यही जैसे मम्मी का कहना है कि यार इसके पास पैसा रहेगा ना तो ये देगा ही नहीं निकाल के, मतलब ये देंगे ही नहीं, बोलेंगे कि नहीं इतना महंगा है नहीं लेना है। तो मम्मी बोली कि रुको मैं अपना वॉलेट लेके आती हूँ, तो गई है मम्मी। मम्मी नहीं आई। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए निकल रहे हो और थोड़े दूर बाहर जाके याद आता है, ओ तेरी मेन चीज़ तो घर पे ही छूट गया। होता है ना, रिलेटेबल है ये। और जाते जाते लगता है अंधेरा भी हो जाए, पता नहीं शूट कर पाए कि नहीं। अभी तो रोशनी सही है, कहीं ट्रैफिक वगैरह मिल गया तो लेट हो जाएगा, पर होपिंग फॉर द बेस्ट। आ गई है बोतल वाला था बेटा, उधर खोल दिया है ना। देखिए मम्मी और वाइफ जा रही है लाने, हम एक्चुअली ये ट्रिक था कि पहले उतार दिए हैं, और ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है। चाहे आप कुछ फल खरीदने जाइए या फिर गमला कुछ भी, आपको अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो आप पहले ही उतर जाइए, मतलब गाड़ी ऐसा जगह रोके कि वो लोग देखे नहीं, क्योंकि गाड़ी देख के उन लोग को लगता है कि हम लोग को रेट ही नहीं पता है, कुछ भी रेट बोल देता है लोग। पैदल लोग गया है, अब जब शॉपिंग हो जाएगा मतलब गमला खरीद लेंगे तो फिर उधर से जाके आगे से यू टर्न लेके फिर गमला को लोड करके ले आएंगे। अभी देखिए बार्गेन करना स्टार्ट कर दिए मम्मी, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा बोलता है ना कि बार्गेन करना ही पड़ता है, अच्छा नहीं लगता बार्गेन करने में। बहुत लोग बोलेंगे बार्गेन क्यों करते हो, लोग गरीब हैं, ये हैं वो हैं, पर एक लिमिट से कुछ बोला जाएगा तब ना। आ गए नर्सरी, अभी जाके देखते हैं वहाँ पे क्या क्या प्राइजेस हैं सारे पॉट्स के, और देखते हैं कुछ यूनिक प्लांट्स दिखते हैं तो आपको दिखाते हैं।
कितने का है? तो हम ले ही गए हैं। मम्मी बार्गेनिंग कर रही है पूरा पिछले रेट पे, हम लोग जो लेके गए थे उसी रेट पे। कितने में दे रहे हैं माँ? 70 रुपए। 70 रुपए में 12 इंच का गमला है, 12 इंच का। नर्सरी आके मन भर जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं ना जब भी जाती हूँ ना सोच के जाती हूँ कि इस बार प्लांट्स नहीं लेने हैं, पॉट्स ही लेने हैं। पर जाके ना एकदम मतलब अलग सा ही जोन हो जाता है। प्लांट्स को देख के मन करता है नहीं नहीं कुछ तो ले ही लेते हैं। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं यहाँ पर। ये वाले मेरे गार्डन में ना फ्लावरिंग प्लांट्स की कमी थी और मेरे सब्सक्राइबर भी हमेशा बोलते रहते हैं आपके गार्डन में फ्लावर्स नहीं दिखते। तो मैं ना इस बार सोच लिया था कि जो भी प्लांट्स लूँगी फ्लावर्स वाले ही लूँगी, तो वही देख रही थी मैं। उनसे बात की है कि कुछ कटिंग्स मिलेंगे क्या, तो वो कह रही है देखते हैं क्या बोलती हैं वो। तब तक मैं घूम फिर के देख रही हूँ क्या क्या प्लांट्स हैं। गर्मी है जैसे बगल में जैसे छाई में डाले हुए। कितने का है वो प्लांट? 100 रुपए। और ये मॉस्टिक रबर प्लांट, मॉस्टिक वो आपको 120 का छोटा वाला 60 रुपए का आएगा। 60 रुपए मॉस्टिक, ये वाला छोटा वाला। अच्छा, ये वाला सही लगाइए। आप ही की दुकान हम आते हैं, अम्मा एडमे से हम बतियाते हैं। बीज भी रखते हैं क्या? ना बीज नहीं रखते। कौन सी होता है मनी प्लांट लगाने के लिए? माँ पीछे डिस्कस कर रही है प्लांट्स के रेट्स वगैरह की। हम लोग हमेशा आते हैं, हमें वही रेट्स पे चाहिए जिस रेट पे हमें पहले लिया है। आपको सीजनली है, लगभग आपको 3-4 महीने ही रहेगा। हाँ। बस यही गर्मी में रहेगा। और उधर जो छोटा छोटा है वही चीज़ है? ये सदाबर है। अच्छा, ये परमानेंट पौधा है, ये आपको एसी में काम करता है। क्या? इसका निकालिएगा कभी कभी जड़ का ऐसी शुगर में इसका जड़ पीस के पीता है। चिली शुगर जी। हाँ। और ये सब में कौन कौन सा कलर है? ये तो अपना ही बहुत, ये आपको पीला आवेगा, लाल आवेगा, ऑरेंज आवेगा। पोटोला का प्लांट्स के ना इतने सारे कलर्स थे, मेरे पास ऑरेंज और रेड नहीं थे तो मैंने उनकी 2 कटिंग्स ले ली है। तो यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स देख के मतलब एकदम चौंक गए कि अब चाहिए। तो 2-4 प्लांट्स भी लिया है, देखते हैं अभी और प्लांट्स कौन कौन सा ले सकते हैं। और ये ललटेना है, देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये ललटेना है, ये आपको परमानेंट अभी पौधा है। इसमें 2 कलर आएगा, लाल आएगा, पीला आएगा। इसमें जो देख रहे निकल रहा है ना, देख ये 2 कलर का भी फूल आता है लगता है। हाँ, इसमें 2 कलर ये नानी घर में है, नानी घर मीठी लगाई हुई है। हाँ, इसमें 2 कलर आता है। ये वाला ही पेड़ था, ये वाला में भी पगल पे लिया, में भी 2 कलर हम आपको देंगे, 2 कलर देंगे। महंगा ही तो बहुत है। नहीं मैडम महंगा तो, रेड वाला भी रखे हुए है। ढाई सौ में है ना, कम नहीं होगा? नहीं उसका कम करेंगे, ये तो कम कर देंगे, हम आपको वाला कम कर देंगे। वो तो है, वो मीठी से ही ले लेंगे, मीठी से ही ले लेंगे वो। है उसी का जाते। अच्छा, बाकी एकरा में इतना बड़ा बड़ा झुमका की तरह लटकता है। मधुमालती कितने में है? मधुमालती आपको 120 लगाएंगे। कौन है मधुमाल जो गुच्छा की तरह फूल नहीं फटता है? नहीं, तो फूल है उसमें, दिखाते हैं। मधुमालती है ना, दम मधुमालती है मैडम, फूल नहीं है। अब फूल देगा इस सबके, अब आ रहा है फूल इस सब। जो पिंक वाला दिखाए ना वो नहीं है, लाल है, उजला है और पीला है। हाइब्रिड है क्या? हाइब्रिड है। तो नॉर्मल वाला नहीं है? नॉर्मल वाला नहीं है। बरसात में लेना है, लगेगा कि नहीं लग जाएगा? जल्दी तो बेहतर पौधा होता है। ये वाला बोगनवेलिया कितने का है? ये आपको 850 रुपये। 850? बरसात में लेना, महंगा फूल बरसात नहीं, गर्मी का मास्टर है। 20 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया हो गया, 40। कोई भी जो आसानी से लग जाए, आसानी से लग जाए, आसानी से लगने वाला वही कटिंग दे। वो आपको वही चीज है जो लगा देखा है ना, ऊपर जो गमला में लगा हुआ है ना, टर्टल वाइन के बगल में जो है, ये वाला भी दे 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 वही। मम्मी जुगाड़ में लगी हुई है।
भैया ने हमें टर्टल वाइन की तरह ही एक फैलने वाला प्लांट दिया जिसका कलर थोड़ा ब्राउनिश था। इसका अलग अलग करके लगा सकते हैं, जैसे यह है ना कि 10 गमला में भी बना सकते हैं इसको। अच्छा, जितना है उसी तरह लतरता है, वो तो ग्रीन कलर का है, पर वही तो दे रहे हैं हम आपको। अच्छा, वही चीज दे रहे हैं, जितना अलग अलग करके आई मत समझिएगा कि जैसे ऐसे ही करके गाड़ से दीजिएगा, ऐसे ही करके कंसूल लग जाएगा, लग जाएगा, जैसे मन तैसे भी लगा सकते हो। ये भी सीजनल है? नहीं, सीजनल नहीं है, परमानेंट पौधा है। अगर इसको खाली बचाना है ठंडा में, ज्यादा ठंडा गिरे, ये टर्टल वाइन भी ठंडा में खराब हो जाता है, उसके लिए क्या करते हैं? वही कहना है कि ठंडा में इसको खाली बचा के अंदर कर देना है घर में, बहुत ठंडा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहता। अच्छा, घर के अंदर धूप नहीं? ना, धूप नहीं लगना चाहिए। तो प्लांट्स पॉट के साथ बहुत सारी जानकारी भी ले ली है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो घर में सफ़र करती हूँ कि ठंड में ख़राब हो जाते हैं, या फिर कुछ कुछ के पत्तियाँ सूख जाती है पानी डालने के बावजूद। तो इन्होंने कहा है कि पानी कम डालने के लिए, जैसे अरेका पाम है हमारे घर में तो वो एकदम पीला हो चुका है, यहाँ पे इतने छोटू छोटू पोटली टाइप में लगाए हुए, इतने हरे भरे हैं ना, मतलब शॉक्ड मैं भी और सासू माँ भी कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, इतना खाद पानी घर पर देते हैं फिर भी नहीं होता। तो इन्होंने बताया कि कम पानी डालने के लिए, और मतलब जब मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए ना तभी पानी डालने के लिए। तो देखते हैं ट्रिक अपना के क्या होता है। फिलहाल ले लिया है सब कुछ, बीज बीज के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि बीज अभी तो फिलहाल नहीं है, पर कुछ दिनों में आ जाएगा, तो फिर एक बार आएंगे बीज को देखने के लिए। और अभी ले लिया है, मम्मी वहाँ पे बार्गेन करते हुए कि सही रेट लगाइए, रेट तो भैया ने सही लगाया। प्लांट्स मधुमालती का एक प्लांट लिया है 80 रुपीज़ में, और एक सदाबहार रेड कलर का लिया है 20 रुपीज़ में। बस दो ही प्लांट लिए, ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं प्लांट्स ख़राब ना हो जाए हमारे। बड़ा दिल दुखता है जब प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। और एक दो कटिंग्स उन्होंने दी है 2-3 प्लांट्स की, और एक वो पता नहीं नाम नहीं पता है, घर पे जाके गूगल करूँगी तब आपको बताऊँगी कि उसका नाम क्या है। तो ले लिया है, अब चलते हैं। मम्मी बार्गेन कर रही है, मम्मी ने शॉपिंग के साथ साथ यहाँ पे दोस्ती भी कर ली है कि आप क्या हमेशा आते हैं, हमेशा आएंगे, व्यवहार आपका अच्छा है, ये वो जो मम्मी लोग में होता है ना, जहाँ पे भी जाओ दोस्ती कर लेती है। तो मम्मी का दोस्ती हो गया इनसे, अच्छा ही है हमारे लिए, कुछ कटिंग्स मिल गई फ्री में। तो हस्बैंड को फ़ोन कर दिया है, वो दूर कहीं खड़े रहते हैं, आते नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है हस्बैंड का शॉपिंग के टाइम, एकदम भागे रहेंगे कि नहीं हम नहीं रहेंगे वहाँ, रहेंगे तो मुंह बना लेंगे, तो इससे अच्छा मूँ ठीक है आप दूर ही रहिए, हम लोग शांति से शॉपिंग कर लेंगे। उनको फ़ोन किया है, अब वो आ रहे हैं तो फिर सामान लोड कर लेंगे। गोबर के खाद के अलावा आप लोग कुछ नहीं मिलाते हैं? अभी बगन बेलिया का आप देख रहे हैं ना मैडम? हाँ, बगन बेलिया का, बगन बेलिया हमारा अभी 2 बार फुला चुका, बगन बेलिया 2 बार फुला चुका हमारा भी, एक उजला वाला भी फुला रहा है इसका। हाँ, इसका फुलाने का सीजन होता है क्या? हाँ, ठंडा में आपको फूल नहीं लगा। अच्छा, पेड़ रहेगा? पेड़ तो हरा भरा रहेगा, 100 रुपया गूगल, पेड़ तो हरा भरा रहेगा, बाकी ठंडा में फूल नहीं देगा। अच्छा, आपको जैसे जनवरी फरवरी से फूल देना शुरू करेगा, तो अभी 8वां रहेगा, कम से कम दशहरा तक इसका फूल देते रहेगा, दशहरा के बाद ही बंद हो जाता है। अच्छा भैया, आपकी नर्सरी का नाम भी है कुछ? हाँ, प्रमिला नर्सरी है, प्रमिला नर्सरी, ठीक है। नहीं, मोबाइल पर लिखा होगा तो लिख दिया होगा। अच्छा, प्रमिला नर्सरी। हाँ हाँ, हम लोग यहीं से लेते हैं, बहुत अच्छा। हाँ, हर बार यहीं से लेते हैं, बहुत अच्छा रेट लगते हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ पे शॉप वाले। हाँ, सबसे मास्टर यही है। अच्छा, इन्हीं के नाम पे है? एड्रेस गर्दनी बाग 17 नंबर, शनि भगवान मंदिर के पास। आइएगा तो बोलिएगा कि वीडियो देख के आए, तो भैया हो सकता है कुछ डिस्काउंट भी दे देंगे आपको। और इतना सारा शॉपिंग किया तो भैया हम लोगों को कुछ कटिंग्स भी फ्री में दिए। और कटिंग्स भी हम लोग को फ्री में मिला है। पूछ रहा था कुछ नहीं, बता देगा। बताइए तो उस नर्सरी के बारे में अपने, बहुत बहुत दिन से खोली हुई है यहाँ पे? यहाँ पे 4 साल हो गया। 4 साल पहले दूसरे थे, हम करते थे काम, 13 साल किए। अच्छा, दूसरे के नर्सरी में? दूसरे के नर्सरी हम काम करते थे। अच्छा, तो यहाँ पे 4 साल हुआ अपना दुकान की है पर्सनल। हाँ, यहाँ पे आप लोग कौन, हस्बैंड वाइफ? हस्बैंड अपने रहते। आपका बच्चा भी है? बच्चा भी है,
साथ में, तो बाल बच्चा साथ में करते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर है आपका नर्सरी। मतलब ऐसा ऐसा प्लांट है जो हम लोग के घर में सूख गया है गर्मी के कारण, वो भी यहाँ पे भी बचा हुआ है। यहाँ शाम सुबह पानी पटाते हैं। हाँ, देखभाल इन टाइम पौधा हम लोग दो टाइम पानी पटाते हैं, अभी देते हैं गर्मी है, सुबह भी देते हैं फिर शाम में देते हैं। अच्छा, तो हम लोग हमेशा यही से लेके जाते हैं, फिर आएंगे फिर लेके जाएंगे। बहुत सारा हम लोग बल्क में लेके जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों जो शॉप वाले बहुत अच्छे हैं, दीदी भैया जो भी है, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे रेट में हम लोग को देते हैं। फिर आएंगे हम लोग। चलो ले लो बेटा। आप ही के नाम पे है ना शॉप का? हाँ, प्रमिला नर्सरी। ऐसे बहुत सारी चिंता है हमको। हाँ, बहुत सारी चिंता। अब और चेहरा देखा पहचान। 13 साल यही पे? नहीं, डेरा अलग है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर काम पर अपना दुकान है। हाँ, सुचालु पट्टी पुल तो पास था ना। अच्छा, ये विकास पाल है राहुल। हाँ हाँ, तो पास रहते थे। 13 साल रहे ये अपना दुकान। अच्छा, ठीक है। तो शॉपिंग हो गई है, बहुत गर्मी है। ये क्या है? ये है मधुमालती। मधुमालती मधु और मालती की जोड़ी है। उधर से बैठे, इधर से बैठे। आ गए हैं हम लोग घर, शॉपिंग डन। पति देव की कसरत भी हो रही है, इसी बहाने सारा कमरा ढोलों के ऊपर आराम से, कहीं धरफरा आ गया। हाँ, अभी मोड़ के पसीना बहाते हैं, इससे अच्छा काम करके पसीना बहाते। जी हाँ, गार्डन में इतना अंधेरा है कि दिख नहीं रहा है कुछ। मम्मी पानी डाल रही है गार्डन में। गार्डन में एक लाइट लगाना ही बहुत जरूरी हो गया है। सबसे लाइट लगा हुआ है, लेकिन अभी लाइन चलती है, दिख नहीं है वो कुआं आया तो। हाँ, लूज हो गया है कनेक्शन। और ये सब प्लांट्स रखे हुए हैं, इसको लगाएंगे कल, क्योंकि अभी यहाँ रोशनी है नहीं, कल लगाएंगे। इसमें कटिंग्स भी है और एक और सदाबहार के प्लांट्स है, ये मधुमालती, कल लगाएंगे इनको। तो गाइज़, ये था मेरा आज का नर्सरी विज़िट। मैंने कोशिश की है कि मैं हर चीज़ को अच्छे से दिखाऊं, और देखते हैं वो आप लोगों को कितना पसंद आता है। और मेरे एक दो सब्सक्राइबर भी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दीदी पॉट खरीदने की वीडियो डालो, दीदी नर्सरी विज़िट करो। उनका नाम मैं भूल रही हूँ, शायद पोमी थी और कुछ संगीता करके थी, उन्होंने कहा था कि नर्सरी विज़िट करो प्लीज़ दी। और तो इतने दिनों बाद फाइनली उनकी डिमांड पूरी होती है। मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी, पर गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना कि मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था बाहर निकलना। तो आज सासू माँ ने कहा कि नहीं, आज चल ही लेता है, तो फिर गए। सारे प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स वहाँ पे मैंने कोशिश की है दिखाने की, कि आपका अगर कुछ भी डाउट वगैरह हो तो क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ केयर टिप्स भी मैंने उनसे लिए थे, नर्सरी वाले से, तो वो भी मैंने वीडियो में अच्छे से दिखाया है। और पॉट्स वगैरह भी अफोर्डेबल रेट पर मिल गए हमें, और दो प्लांट्स लिए हैं, ज़्यादा प्लांट नहीं लिए, कटिंग्स लिए हैं एक दो प्लांट की। तो सारे प्लांट को मैं कल रिपोर्ट करने वाली हूँ, तो मैं उसका भी वीडियो आप लोग को अपलोड करके दे दूँगी, क्योंकि मतलब अभी रात हो गई है और गार्डन में का लाइट भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, लाइट ख़राब हो गया है, तो अंधेरे में रिपोर्ट नहीं कर सकते, वीडियो अच्छा आएगा नहीं, तो वो कल करेंगे। अभी तक मतलब टेम्प्ररी वो लोग अच्छे जगह पे रख दिया है, और जो कटिंग्स है उनको वाटर में रख दिया ताकि वो ख़राब ना हो जाए गर्मी के कारण। तो आज का व्लॉग यहीं तक रहा, होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, एंड अपना प्यार ऐसे ही मेरे चैनल को देते रहिए, और स्टे कनेक्टेड।